देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। प्राइमरी स्कूल में पशु पांधने के मामले में 15 के खिलाफ मामला दर्ज। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम जामनवाला में ग्रामीणों द्वारा बच्चों को प्राइमरी स्कूल से बाहर निकालकर स्कूल में पशु भर दिए थे, जिसमें ग्रामीणों का कहना था कि आवारा पशु लगातार उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं, इसलिए ग्रामीणों द्वारा परेशान होकर यह पशु स्कूल में भरे गए हैं। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और सभी पशुओं को स्कूल से बाहर निकलवाया। जानकारी देते हुए SDM धामपुर मनोज कुमार ने बताया, स्कूल में पशु बांधने व सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर 15 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और सभी पशु को गौशाला भेजा जा रहा है। सर, ये जो हमारे खेतों में नुकसान कर रहे हैं, डंगर को पता नहीं कहाँ कहाँ स्कूल पर छोड़ते जा रहे हैं, गाड़ियों से छोड़ के आते हैं, ट्रालियों से ट्रैक्टरों से छोड़ के आते हैं, हम तो रोज ही परेशान है। अब गेहूँ बाल पे आई हुई है, गेहूँ खा लेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे? किसानों ने तो यही देखना है अपना, इसमें हमारे पास कुछ नहीं है। अब देखा लोगों ने इकट्ठे करके आज जमा कर दिए डंगर, कुछ ऐसे ही घूम रहे थे, हमारे खेतों का नुकसान कर रहे थे। तो सर, अब जो SDM साहब आए हैं, SDM साहब का कहना क्या है कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी इन पर? वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, पहले भी हम एक दो बार कंप्लेंट कर चुके हैं, किसी ने कुछ सुना नहीं है। तो आप गौशाला के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब आपके क्षेत्र में गौशाला बननी चाहिए इसमें जामन वाले में? गौशाला बनी हुई है ऑलरेडी, हमारे तो बनी हुई है अफजगढ़ में, वहाँ ने हमारी कोई कभी लंगर लिया, कोई कुछ नहीं है, तो हमें क्या लेना है? और हमारे यहाँ बन भी गई तो और लोगों के दूसरी जगह से ला के छोड़ देंगे, कहेंगे ये लो ये भर गई, हमें तो कोई मतलब सहारा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। जानकारी में लाया गया कि जामन वाला गांव में कुछ लोगों ने अपने पशु छोड़ दिए और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल में छोड़े और शिक्षण कार्य को बाधित किया। सूचना मिलते ही हमने ब्लॉक, तहसील और जो हमारी संबंधित थाना है, सभी जिम्मेदार लोगों को भेजा है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि जन सहयोग से हम लोग पुनः इसको एक शेरगढ़ स्थित जो हमारी गौशाला है वहाँ हम पहुँचवा रहे हैं और 15 लोगों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इसमें दोनों बात है, पशु क्रूरता भी है और प्लस जो अध्ययन के कार्य में बाधा डाले हैं तो सरकारी कार्य में बाधा के रूप में। सर, ये कितने पशु हैं कुल आज के? लगभग 40 के करीब हैं, जिसमें दो ट्रॉली जा रही है और भी लगातार वहाँ स्कूल से निकाल के और शेरगढ़ वाले में।